हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट सिक्स मंथ के आरबीआई इन न्यूज आरबीआई के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें लास्ट सिक्स मंथ के और ये वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश यानी कि बायलैंग मिलेगी क्वेश्चन ऑप्शन एंड कंटेंट और ये एक रिवीजन वीडियो होगा जो आपका अभी रिसेंटली आर एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो ये वीडियो देख के आप जरूर जाएं इससे आपको निश्चित ही उसमें हेल्प मिलेगी और अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारे लास्ट सिक्स मंथ या फिर जो मेरे मंथली सेशन आते हैं पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के वो देख सकते हैं आर इन न्यूज़ के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट सिक्स मंथ करेंट अफेयर्स नहीं देखा है जो हमारे सेवन पार्ट में है तो ये वीडियो देख के जरूर इससे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी लास्ट सिक्स मंथ का हमारा करंट अफेयर्स का जो सेशन है और याद रखिएगा ये सेवन पार्ट में है पार्ट वन से पार्ट सेवन में और ये टॉपिक वाइज वीडियो है इसमें मैंने क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जी भी मिलेगा और इस वीडियो का कंप्लीट पी आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आर बी आई इन न्यूज़ हमारा जो सेशन है इसमें हम आर बी आई न्यूज़ में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे आर बी आई सर्कुलर बैंकिंग लाइसेंस फाइन इम्पोज ऑन बैंक्स आर बी आई गाइडलाइंस एंड आर बी आई कहता है ये सभी टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं आर बी आई इन न्यूज़ और याद रखिएगा ये लास्ट सिक्स मंथ की आर बी आई न्यूज़ है जो आपके आर बी आई के एग्जाम्स में जो स्पेशली अभी आर बी आई एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन है हमारा RBI has extended the guidelines on legal entity identifier to large borrowers of NBFCs and primary. एलई आई फॉर्म है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर पर दिशा निर्देशों का विस्तार किया है और लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर संख्या में कितने अंक है तो कितने हैं इसके नंबर पूछा गया है तो ये ट्वेंटी डिजिट्स है राइट right आंसर इसका क्या हो जाएगा ट्वेंटी डिजिट इज द राइट आंसर एलई आई में कितने नंबर होते हैं अगर पूछा जाए तो इसमें ट्वेंटी डिजिट होते हैं तो आरबीआई एक्सटैंड एल ई आई गाइडलाइंस फॉर लार्ज बोरवर्स ऑफ एन बी एफ सीज यूसी ये ये फर्स्ट पॉइंट पॉइंट है और ये सारे मैंने आपको हिंदी-इंग्लिश दोनों में दिए हैं हैं आप इनको देख सकते हैं। तो RBI ने के के बड़े उधार करता। के लिए निर्देशों पर विस्तार किया है और आरबीआई द गाइडलाइंस एंटिटी आइडेंटिवर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि आरबीआई ने

पात्रा, एम राजेश्वर राव टी रविशंकर चार डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेक्स्ट पे हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि आर बी आई एस लोकेटेड तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थित है ये पूछा गया है क्वेश्चन में तो ये बेंगलुरु में स्थित है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शक्तिकांत दास इन आई एच बैंक हंड्रेड करोड़ रुपीज इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू नर्चर फाइनेंशियल इनोवेशन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ सिंपैथिक गोपाल कृष्णन एज अ चेयरमैन एंड अदर नोटेबल पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री एंड शक्तिकांत दास ने गुरुवार को RBIH, बढ़ावा के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया था केंद्रीय बैंक के अनुसार हब हाँ के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसमें गोपाल कृष्ण अध्यक्ष और अन्य उल्लेखनीय लोग उद्योग और शिक्षाविदों के सदस्य के रूप में हैं इसी के रिगार्डिंग अदर इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट पॉइंट है द हब वुड ब्रिंग टुगेदर सेवरल स्टेक होल्डर्स इन फाइनेंशियल इनोवेशन एरियाज बी एफ एस आई सेक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम रेगुलेटर्स एंड एकेडमीया यानी कि हब वित्तीय नवाचार क्षेत्र जिसमें बी एफ एस आई क्षेत्र स्टार्टअप पारिस्थिततंत्र या नियामक और एकेडमिक में कई हितधारकों को एक साथ लाएगा कौन आरबीआईएच नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल भुगतान के लिए ट्वेंटी फोर सेवन हेल्पलाइन शुरू की है इस पहल का नाम क्या है इसका क्या नाम है डिजी साथी राइट right आंसर क्या हो जाएगा डिजी साथी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो आर बी आई हैज लॉन्ड टू इनिशियेटिव रिलेटेड डिजिटल पेमेंट्स वन इज यू पी आई वन टू थ्री पे विच प्रोवाइड्स यू पी आई पेमेंट फैसिलिटी ऑन फीचर्स फोन एंड द सेकेंड इज डिजी साथी विच इज ट्वेंटी फोर सेवन हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स तो दोनों लॉन्च किए हैं फर्स्ट क्या है यू पी आई वन टू थ्री पे नेक्स्ट डिजीज सा थी किसने लॉन्च किया है आर बी आई ने यह सब लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स इन 2021 तो 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की रैंक क्या थी ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो आरबीआई की क्या रैंक थी इसमें आरबीआई की इसमें सेकेंड रैंक थी ऑप्शन बी सेकेंड इज द राइट आंसर

77.5 सेवन पॉइंट फाइव मेट्रिक टन खरीदा है किसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि द लार्जेस्ट बायर सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड बॉट 90 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड विद व्हाइल आरबीआई बॉट 77.5 सेवन पॉइंट फाइव मेट्रिक तो थाईलैंड जो है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड वो उसमें रैंक वन पे है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रैंक टू पे है अदर पॉइंट्स हैं हैं बात कर लेते वर्ल्ड काउंसिल की तो उसके सीईओ डेविड है Debuted, है London, 1987, है है लंदन यूके में फाउंडेड 1987 प्रेसिडेंट की किसकी बात हो रही हाँ पे? यहाँ पे बात हो हो रही रही पे पे गोल्ड काउंसिल नेक्स्ट पे चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है

To appoint an IT audit firm to conduct comprehensive system audit of its IT system. The RBI took a decision exercise of its power under Section 35A of the Banking Regulation Act 1949. तो ने पे पेमेंट्स को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक अपने सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट फॉर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है आरबीआई ने बैंकिंग धारा थर्टी ए यानी की सेक्शन थर्टी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है इसी के रिगार्डिंग अदर पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बात कर लेते हैं पे की तो चेयरमैन सतीश कुमार गुप्ता हेडक्वार्टर है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में किसकी बात हो रही है यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी अवेयरिंग मोडिंग बुकलेट बीन रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बी अवेयर

तो आरबीआई ने बीवे नाम की पुस्तिका लॉन्च की है जिसमें की जाने वाले तरीके, और आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआईन पब्लिक अगेंस्ट कार्पोलिंग ऐप डैश तो आरबीआई ने कार्पोलिंग ऐप डैश के प्रति जनता को आगाह किया है तो कौन सी कार्पोलिंग ऐप है

तो आरबीआई ने कार्पोलिंग ऐप जिसका क्या नाम है इस ऐप का याद रखना है इसका नाम है एस राइड ठीक है एस राइड के खिलाफ जनता को आगाह किया है एस राइड ऐप के प्रति सावधानी यह बताते हुए यह फॉर्म भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण प्राप्त प्राप्त किए बिना एक बंद प्रिपेड साधन का संचालन कर रही है तो याद रखेगा इस कारपोलिंग ऐप का जो नाम है इसका नाम है एस राइड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 बीइंग ऑब्ज़र्व्ड इन आरबीआई इन 2022 तो 2020 में आरबीआई द्वारा मनाया जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का थीम या विषय क्या है तो वो है गो डिजिटल गो सिक्योर क्या है इसका थीम इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर किसका तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 का थीम है ये और ये कब से कब तक तो मनाया गया

हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए तो ये कहाँ पर है ये पूछा गया है तो ये मैसूर मैसूर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बी आर बी एन एम एल है सेटअप एन इन इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेम वर्निका एट मैसूर कर्नाटका विद एन एनुअल इंक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ वन थाउजेंड टू तो इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ बैंक नोट्स तो आर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 सौ मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ मैसूर कर्नाटक में वर्णिका नामक एक निर्माण इकाई की स्थापना की है और मैंने स्टार्टिंग बताया अगर पूछा जाए कि क्या नाम है इसका तो इसका नाम क्या है वर्णिका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड एट डैश इन उत्तर प्रदेश तो भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में ये कहां पर स्थित है पूछा गया है प्रदेश के स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है तो ये कहां पर है ये कानपुर में राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर

नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ कन्वर्जन स्विच ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 28 2022 फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीस डैश तो भारत सरकार ने 28 जनवरी 2022 को आरबीआई के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेनदेन रुपए की राशि के लिए किया है तो कितना पूछा गया है अमाउंट पूछा गया है इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा एक लाख उन्नीस हजार सात सौ एक करोड़ रुपयेक्शन सिक्योरिटीजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ वन लाख नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड वन करोड़ तो भारत सरकार ने एक लाख उन्नीस हजार सात सौ एक करोड़ रुपए की राशि के लिए आर बी आई के साथ अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण का स्विच लेन देन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर द लेटेस्ट डेटा इज द अप्रॉक्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना पी एम जे डी वाले शॉर्ट में बोलेंगे तो वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा की गई राशि लगभग कितनी है तो कितनी है रुपीज वन लाख करोड़ उसका सही आंसर हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर द डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम हैव क्रॉस्ड ₹1.5 लाख करोड़ मार्क द टोटल बैलेंस इन अकाउंट्स अंडर द जनधन स्कीम वाज रिकॉर्डेड एट 1,50,939.36 करोड़ एज ऑन दिसंबर एंड 2021 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट इज द रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर वॉलेंट्री रिटेंशन रूट वी क्या होगा ये इसका फुल फॉर्म वॉलेंट्री रिटेंशन रूट इसका फुल फॉर्म है वी का फॉर इन्वेस्टमेंट्स बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा नि, द्वारा निवेश लिए के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है

द्वारा ऋण में निवेश के लिए वॉलेंट्री रिटेंशन यानी कि स्व स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग की शुरुआत की है इसी के रिगार्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इनको आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई

रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है इसके साथ ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक अब सरकार के लिए एक पिच कर सकता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई है डिस्ट्रूड फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड द अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन वाज फिक्स्ड एट रुपीज टू हंड्रेड विद टोटल लिमिट ऑफ डैश एट एनी पॉइंट इन टाइम तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा दो सौ रुपये तय की गई थी किसी भी समय डैश की कुल सीमा के साथ कितना है ये राइट आंसर क्या हो जाएगा रुपीज टू थाउजेंड दो हजार रुपये की कुल सीमा के साथ तो आरबीआई हैड इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड यूजिंग कार्ड्स वॉलेट्स मोबाइल डिवाइसेस एटसेट्रा टू पुश डिजिटल ट्रांजैक्शन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज तो आरबीआई ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड वॉलेट मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप देख सकते हैं हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज न्यू लिमिट फॉर बैंक एक्सटेंशन ऑफ फंड के लिए जमा राशियों और अन्य निधि के विस्तार पर चल निधि कवरेज अनुपात बनाए रखने की नई सीमा क्या है तो वह है सेवन पॉइंट फाइव करोड़ राइट आंसर क्या हो जाएगा

सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं तो वो है चंडीगढ़ इसका किसमें मिली है किस ऑफिस में पूछा गया है तो वो किसमें मिली है चंडीगढ़ में चंडीगढ़ इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा According to at what percentage? यानी कि RBI के पेपर के अनुसार बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टम बचाव अनुपात कितने प्रतिशत पर है वो है 63%. थ्री परसेंट राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सिक्सटी थ्री परसेंट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू आर बी आई वर्किंग पेपर द ऑप्टीमल फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स रेज बाई फॉर्म्स इन इंडिया एस्टिमेटेड एट सिक्स फॉर पीरियड्स ऑफ हाई वोल्टेटिविटी इन डी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो आरबीआई ने के वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में फॉर्मल द्वारा उठाए गए बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात विदेशी मुद्रा में उच्च स्थिरता की अवधि के लिए 63 अनुमानित है नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैद रिसेंटली इंक्रीज द कैप ऑफ प्रमोटर्स स्टेक इन प्राइवेट बैंक टू डैश परसेंट ऑफ द पेड ऑफ वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक तो आरबीआई ने हाल ही में निजी बैंक में प्रमोटरों के हिस्सेदारी पर बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी का डैश प्रतिशत बढ़ा दिया है तो वो 26% तक बढ़ा दिया है कितना पूछा गया है 26% RBI has formed an internal working group in June 2020 to review the extent guidelines on ownership and corporate structure for Indian private sector banks. And next question is: Which of the following bank has been given to the शेड्यूल बैंक स्टेटस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली तो निम्नलिखित में से किस बैंक को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है तो वो दिया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक उससे पहले किसको दिया हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था एयरटेल पेमेंट्स बैंक तो पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बीन गिवेन द शेड्यूल बैंक स्टेटस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द बैंक हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 थर्टी फोर एंड द अप्रूवल विल हेल्प इट टू ब्रिंग मोर फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट तो पेटीएम पेमेंट आर द्वारा शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और अनुमोदन से इसे और अधिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों में लाने में मदद मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द शेड्यूल पेमेंट्स बैंक पर अकाउंट इन पेमेंट्स और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों को एजेंसी बैंक बनाने का निर्णय लिया है पेमेंट्स बैंकों में प्रति खाता अधिकतम शेष राशि क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रुपीज टू लैख इज द राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दो लाख रुपए का सही आंसर है तो आरबीआई इन कंसोल्यूशन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज डिसाइडेड टू मेक द शेड्यूल पेमेंट्स बैंक एंड शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक एलिजिबल टू कंडक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस तो आरबीआई ने वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से अनुसूचित भुगतान बैंकों अनुसूचित लघु वित्त बैंकों को सरकारी एजेंसी व्यवसाय करने के लिए पात्र बढ़ाने का निर्णय लिया है

लागू होंगे तो कब से होंगे अक्टूबर 2022 से प्रभावी ये प्रभावी होंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट है हमारा आरबीआई हैज एम पैनलड व्हिच बैंक एज एजेंसी बैंक टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स तो आरबीआई ने केंद्र राज्य सरकारों के बैंकिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है तो वो किया है सीएसबी बैंक को किस बैंक को किया है सीएसबी बैंक को किया है

this june, 2022, rbi has extended the card on file tokenization deadline by six months to june 30, 2022. earlier, the deadline was fixed in december 31, 2021. अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो द्वारा गठित डिजिटल पर कार्य समूह का प्रमुख कौन है जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो वह है जयंत कुमार दास कौन है जयंत कुमार दास इसका सही आंसर है तो आरबीआई द्वारा गठित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण सहित डिजिटल ऋण पर समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स बैंक किसके साथ यूनिटी स्मॉल इज द राइट आंसर आरबीआई रिव्यूल्ड ड्राफ्ट स्कीम एम्ब्लगमेटिंग द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विद डेली बेस्ड यूनिटी स्मॉल तो आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक को दिल्ली स्थित यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित करने के लिए एक मसौदा योजना का खुलासा किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया है so, क्या नाम है इसका पूछा गया है, so, है ट्वेंटी 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ने अपना पहला वैश्विक हैकाथन लॉन्च किया है इसका नाम क्या है हारविंगर ट्वेंटी इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन

मंथ तो RBI ने सभी जमा लेने वाली एनबीएफसी को डैश या अधिक शाखाओं के साथ छह महीने के भीतर आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए अनिवार्य कर दिया है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी टेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करंटली व्हाट इज द टोटल कॉपर्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ ऑफ आरबीआई तो वर्तमान में आरबीआई के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ का कुल कोष क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ₹614 614 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है तो द टोटल कॉर्पस ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पी आई डी एफ ऑफ आर बी आई हैज रीज रुपीज सिक्स हंड्रेड फोर्टीन करोड़ तो आर बी आई ने पी आई डी एफ का कुल कोष 614 सौ चौदह करोड़ रुपये तक पहुंच गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीआई हैज इश्यूड रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स द रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टिव फ्रॉम डैश तो आरबीआई ने बैंकों के लिए संशोधित पीसीए ढांचा जारी किया है संशोधित पीसीए ढांचा डैश यानी कि कब से प्रभावी होगा ये जनवरी एक एक जनवरी दो हजार से ये प्रभावी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी टू ऑपरेट्स एज एन एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो यानी कि एक एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में काम करने के लिए कंपनी के के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली फंड आवश्यकता क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ₹2 करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन The RBI has granted the NARCL, what is the full form? To National Asset Reconstruction Company, the license to register as an asset reconstruction company, ARC. The license is given under Section 3 of Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interests of FASI Act to 2002.

वट इज द मिनिमम टिकट साइज सेट बाई आरबीआई फॉर द इश्यूर्स ऑफ सिक्यूटाइजेशन नोट तो प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम टिकट आकार क्या है तो वो क्या है रुपीजन करोड़ एक करोड़ रुपये है सही आंसर तो क्या है एक करोड़ रुपये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑफ वेज एंड मीन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अक्टूबर टू मार्च तो वित्तीय वर्ष दो हजार में कि दूसरी छमाही के लिए निर्धारित तरीके और साधन्यू एम ए की सीमा क्या है तो क्या है इसकी सीमा रुपीज फिफ्टी करोड़ पचास हजार करोड़ ज द राइट आंसर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा द आरबीआई सेट द लिमिट ऑफ डब्ल्यू एम ए फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर ट्वेंटी वन टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट रुपीज फिफ्टी थाउजेंड करोड़ अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू रिमूव पीसीए रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच बैंक तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक से पीसीए प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है तो वो की है आईओबी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक से तो आरबीआई हैज अनाउंस्ड रिमूवल ऑफ पीसीए फ्रॉम करेक्टिव एक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए पीसी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई सीईओ है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता और फॉन्डेडीन थर्टी नाइन किसकी बात हो रही है यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक की तो इसके साथ ही हमने ये वीडियो कवर किया है लास्ट सिक्स मंथ का हमारा आर बी आई इन न्यूज जो आपके आने वाले अभी आरबीआई एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और इसके अलावा भी जो बैंक एग्जाम्स है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इसके अलावा भी हमने लास्ट सिक्स मंथ कवर किया है करंट अफेयर्स जो आप देख सकते हैं अक्टूबर से मार्च दो हजार इक्कीस तक का लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर्स ये हमने टॉपिक वाइज कवर किया है और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर जी मेल व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैलकन कर दबाना बिल्कुल ना बोलें जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए तो ऑल द बेस्ट फॉर योर आरबी एग्जाम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग